कि जिस पार्टी के विचों पंजाब के सब तो वध एमपी चुन के आए ने अज उन्हां उस पार्टी के एमपी विचों एक भी अज शामिल नहीं सी क्योंकि किसानों प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं उन्होंने वो ताजपोशी जी चंडीगढ़ से हो रही है वो ज्यादा जरूरी है। मैं सबको अपील करता हूँ, दूसरी पार्टी को भी अपील करता हूँ कि वो किसानी एजेंडे को एक मेन एजेंडा बनाकर ओली एजेंडा बनाकर यहाँ संघर्ष करें। जिस दिन तो पार्लीमेंट सेशन शुरू होया है उस दिन तो ही अकाली दल ने किसानों के हक आवाज बुलंद की हुई है। लगातार किसानों के हक कम रोको प्रस्ताव पा रहे ने ताजो पार्लीमेंट किसानों के मुद्दे तो इलावा होर किसी मुद्दे ते चर्चा ना हो सके। अज भी अकाली दल दे संसद मेंबर बीबी हरसिमरत कौर बादल अते सुखबीर सिंह बादल ने संसद दे अंदर ते बाहर कानूना दा विरोध किया ता जो कानून रद्द हो सकन। इस तो इलावा सुखबीर बादल ने तोमर दे बयान ते भी टिप्पणी की। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का पार्लियामेंट सेशन में एक ही एजेंडा है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और काले कानून वापस ली जाए और दोनों पार्टी सदन के अंदर सदन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करेंगे करते रहेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। अफसोस इसका बात का है कि दूसरी पार्टीज अलग अलग एजेंडा लेके आई हैं। मैं सबको अपील करता हूँ, दूसरी पार्टीज को भी अपील करता हूँ कि वो किसानी एजेंडे को एक मेन एजेंडा बनाकर ओली एजेंडा बनाकर यहाँ संघर्ष करें क्योंकि आज किसान देश का किसान का बुरा हाल है। वो जाने जा रही हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है। तो मैं दूसरी पार्टी जो अपना अलग अलग एजेंडा लेके आ रही हैं उनको फिर से मैं अपील करता हूँ कि किसानी एजेंडा ओली एजेंडा जो पार्लियामेंट का हो और जब तक ये किसान के कानून बंद नहीं होते पार्लियामेंट को चलाने दिया जाए और मजबूर किया जाए सेंट्रल सरकार को कि वो वापस करे कानून। सर लेकिन कृषि मंत्री का कहना है कि जो भी कंसर्न्स हैं किसानों के उनको सरकार एड्रेस करने के लिए तैयार है, उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार है और ओपन माइंड से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए तैयार है तो वो आती क्यों नहीं, बुलाती क्यों नहीं? किसान वहाँ बैठे हैं, कभी मिनिस्टर ने बुलाया है क्या? मिनिस्टर उनका कोई एमपी गया है, उनका कोई आदमी गया पूछने के लिए? वो तूफान में बैठे हैं, बारिश कितनी हो रही है वो भीगे बैठे हैं, पर ये सेंटर की सरकार का कोई उनके पास आदमी नहीं गया। वो कहते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने मेन एजेंडा ये किया कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात करनी है तो कर लो। ऐसे बात नहीं होती, ऐसी बात डेमोक्रेसी में नहीं होती। लगातार जिस दिन तो सेशन शुरू हुआ है श्रोमणी अकाली दल के बसपा रोज और कोई मुद्दा नहीं चलते, थले किसानों का साथ देके रोज इतने खड़के असि पार्लियामेंट के अंदर ते पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग मांग रहे हैं कि देश का किसान अपनी सरकार नु गुहार दे रहा है कि 8 महीने हो गए असि दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हैं, तुसी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह सड़कों से किला गाड़ के सानू बरसात चे गर्मी चे सर्दी चे ओलावाड़ी चे 8 महीने चो तो बैठा सकिया है। 500 साढ़े किसान मर गए इतने बैठे बैठे, उन्हों की जाना गवा दिखा ने। एक बार मांग अपनी सरकार तो कि साढ़े को बुना बिना पूछे जेडे कानून साढ़े उत्ते थोपे गए ने ये कानून वापस करो। लेकिन अफसोस की गल कि किसानों की सुननी तक ही है ना, उन्हों तक पहुंच करते ने ना उन्होंने कोल जाते ने, इतने बैठे ऐलान करते ने कि गलबात कर लांगे लेकिन कानून नहीं वापस होंगे। लेकिन पिछले पाके फैसला ही कर लिया कि कानून वापस नहीं होंगे, फिर गलबात की गुंजाइश कितने चले। कदे उग्रवादी, कदे इन्हों परजीवी, कदे इन्हों मवाली, तरह तरह की गालियां निकाल के किसानों का अपमान किया जा रहा है। कदे लाठियां के नाल बरसात इन्हों के उत्ते लाठियां के नाल मारिया कुटिया जाता है, कदे देश द्रोही के परचे किए जाते हैं। अज देश के किसान का अन्नदाता का जो इन्ना अपमान ये सरकार कर सकती है। अज मैनू इस गल का इन्ना दुख होया कि एक पासे साडे किसान भरा दिल्ली के बॉर्डर तो 8 महीने तो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छड़ता, उन्होंने घर च भी बहुत जरूरी जरूरी जिम्मेवारियां हो गया लेकिन छड़ के वह बॉर्डर च बैठे हुए हैं। अज साडे किसान भरा दिल्ली के भी बैठे किसान की संसद लाई हुई है, तो सानू सारे एमपीज़ को एक ही उन्होंने बेनती की
कि तुसी सारे हर रोज अपने पार्लियामेंट चे तुसी उत्थे खड़ना हैगा ते किसान दे मुद्दे चकने ने। अज मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मैं देखिया कि जिस पार्टी दे विचों पंजाब दे सब तो वध एमपी चुन के आए ने अज उन्हां उस पार्टी दे एमपी विचों एक भी अज शामिल नहीं सी, क्योंकि किसानां प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं, उन्हां नूं ताजपोशी जिहड़ी चंडीगढ़ च हो रही है वह ज्यादा जरूरी लगी। अगे ही तुसी देखिया पिछले डेढ़ दो महीनों की इन्हां दी खिचोतान लोगों का ध्यान भटकाउण वास्ते जिथे लोग बेहाल ने, बिजली होए ना होए, मीह पिया ना पए, किसान बैठा है मरिया है, दुकानदार का गरीबा का नौजवान की सब अपने हाल से छड़े हुए ने, ते दिल्ली ने तो सैकड़ों गेड़े कटते आपकी कुर्सी के लालच में। यह ध्यान भटकाउण वास्ते आ खिचोतानी का ड्रामा तो दो तीन महीनों के आप देख रहे हैं। तो अज जब किसानों को लोड़ है, जब पार्लियामेंट कल 19 दिनों वास्ते बैठ गया है, इन्होंने 19 दिनों से असी सरकार को मजबूर करना है कि किसान की गल मनी जाए। तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी संसद में हाजिर होने के बजाय आज चंडीगढ़ ताजपोशी वास्ते बैठी है। कल श्रोमणी अकाली दल तो BSP हर रोज जिस दिन तो संसद शुरू होया है, संसद के अंदर संसद के बाहर जिनी साड़ी क्षमता है असी पूरे जोर के नाल किसानों का ही मुद्दा होर सारे मुद्दे छड़ के किसानों का मुद्दा ही चक रहे हैं। साढ़े प्रधान साहब नूं भी दिल्ली पंजाब च बथेरे काम ने पार्टी वास्ते, लेकिन सारे काम का छड़ के असी अपनी फर्ज समझ के जिहड़ी साढ़े उत्ते उम्मीद लाई है जिन्होंने सानू इत्थे चुन के भेजा है उन्हां प्रति असी अपना फर्ज अदा कर रहे। दूजे पासे हरसिमरत बादल ने कांग्रेस सरकार नूं लम्मे हत्थी लिया, कहा कि अज पंजाब दे सारे कांग्रेसी सांसद नवजोत सिद्धू दी ताजपोशी शामिल होने लई पार्लीमेंट तो गायब ने, जिस तो स्पष्ट हुंदा है कि कांग्रेसियां नूं किसानां प्रति किन्नी हमदर्दी है, क्योंकि जेड़े किसानां ने उन्हां नूं संसद तक पहुंचाया उन्हां प्रति अपना फर्ज निभाउण दी बजाए उन्हां ने पंजाब कांग्रेस दे नवें प्रधान दी ताजपोशी ते जश्न मना रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबस्क्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बणन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।